इस तरह से दोस्तों उत्तरायण के टाइम हम ये गन्ना कटाई का काम करते हैं पूरा, देखिए। और एक बारी का वजन होता है 15 केजी। एक बारी में गन्ने की जो राड़े आते हैं वो आते हैं तकरीबन 8 यानी 8, और उसका जो रेट अभी हमें मिलने वाला है, जो मेन चीज उसका रेट, वो रेट हमने मिलने वाला है 17 रुपये। हाय दोस्तों, हम चल रहे हैं अब ट्रैक्टर लेने के, लेकर जा रहे गन्ने के खेत में, क्योंकि आज हमें पूरा गन्ना काटना है, क्योंकि आज गन्ने की कटाई हो रही है, उत्तरायण आ रही है, तो पतंग सगाने का टाइम आ रहा है, तो उसकी कटाई चल रही है। क्योंकि हम गन्ना बहुत ज़्यादा करते हैं और गन्ने को अभी काटते हैं उत्तरायण के पहले पहले, और उत्तरायण के टाइम पे हमारा सब गन्ना बिक जाता है। तो चलो मैं गन्ने के खेत में आपको लेकर जाता हूँ, वहाँ किस तरह से हम गन्ने की कटाई करते हैं और क्या क्या करते हैं उसके बारे में जानकारी देता हूँ। ननु आ ले जा बेटा, ननु आ को ले जा बेटा, आ चुका हूँ अपने खेत में और बच चुका है दोपहर का एक या डेढ़ बज चुका है। और हम अभी तक क्या कर रहे थे, मैं वो बच्चों के साथ खेल रहा था और अपने भैंसों का, अपने माल का काम कर रहा था, और बाद में हमारा गन्ना का कटाई का काम चल रहा था, तो गन्ना काटने का काम मेरा था। तो वीडियो बनाने, क्योंकि हमारे पीछे मजदूर लगे हुए थे, जो हम जितना गन्ना काटते उतना गन्ना मजदूरों को साफ करना था, तो हमारे पास इतना टाइम ही नहीं था कि गन्ना काटते वक्त हम वीडियो बना सके। और दूसरी बात है कि हमारे गांव के जो मजदूर लोग होते हैं, तो उसके साथ काम करना और वीडियो बनाना दोनों साथ में नहीं हो सकता। तो चलो थोड़ा पानी पीने के लिए बैठे थे, तो अब आपको दिखाता हूँ गन्ने का पूरा खेत, कि गन्ना हम किस टाइम काटते हैं और क्यों। तो दोस्तों अभी क्या है कि चल रहा है पहला महीना, और इसी महीने में 14 तारीख को आती है उत्तरायण, और उत्तरायण के टाइम सबसे ज़्यादा गन्ने लोग घर पे बैठे बैठे खाते हैं। तो गन्ने खाने का बहुत सारे फायदे भी होते हैं, कौन कौन से फायदे होते हैं वो भी मैं वीडियो में दिखाने वाला हूँ। और पहले तो गन्ना किस तरह से हम काटते हैं और काटने के बाद उसको किस तरह से तैयार करते हैं वो आपको दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों, ये हमारा गन्ना का खेत है और मैं आपको दिखाता हूँ, ये हमारा गन्ना तैयार हो चुका है। हम अभी तक गन्ना कटाई का ही काम कर रहे थे, और किस तरह से हम गन्ना काटते हैं, क्यों काटते हैं और कब काटते हैं वो उसके बारे में भी मैं बात करने वाला हूँ। आई होप आप लोग दोस्तों खुश होंगे, हम भी खुश है। उत्तरायण का टाइम चल रहा है, उत्तरायण आने वाली है, लोग अपने घर पे बैठे बैठे गन्ना खाने वाले हैं, और हम किसान लोग अपना गन्ना बेचकर कुछ 2-5 रुपये कमाने वाले हैं। तो दोस्तों हम कहाँ किस तरह से काटते हैं और उसका किस तरह से बंधन बांधते हैं और किस तरह से हम बेचने के लिए जाते हैं, वो सभी इस वीडियो में मैं कवर कर के आपको इस ब्लॉग में दिखाने वाला हूँ। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और मैं आपको दिखाता हूँ गन्ना। देखिए दोस्तों, ये गन्ना हमारा तैयार हो चुका है, अभी तो इस साइड काटने का काम चल रहा है, और इस साइड अठिया बनाने का काम चल रहा है, और इस साइड बनकर रेडी हो चुका है।
और इस साइड इसको बेचने के लिए रेडी हो चुका है। तो इसमें क्या है दोस्तों कि पहले तो इसकी हम गन्ने की कटाई करते हैं। पहले दोस्तों इस गन्ने की हमने कटाई कर दी है। कटाई करने के बाद एक पाली बनाई थी हमने, वो मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों, यहाँ से हमने गन्ना काटा और यहाँ काटने के बाद इधर डाल दिया था। ये उसका ये ढगला है, यानी कि यहाँ काट कर डाल दिया था हमने पूरा गन्ना, और काटने के बाद उसको इधर डाल दिया साफ करने के बाद। देखिए, ये हमने गन्ना साफ कर दिया पूरा। देखिए ये गन्ना साफ करने के बाद बहुत सारा गन्ना है, पूरा खेत मेरा गन्ने से भरा हुआ है। देखिए, आपके नजर पहुंचेगी उतना ही गन्ना है, वहां तक गन्ना है मेरा। देखिए इस तरह से हम उसको काट देते हैं गन्ने को, कितना बड़ा है वो आपको देखना, मैं आपको दिखाता हूँ कितना। देखिए इतना बड़ा है, मैं दिखाता हूँ साथ में मेरा वीडियो बनाकर। देखिए दोस्तों, ये मेरा मेरे 5 फुट से 2 इंच ज़्यादा, 5 फुट 2 इंच मेरी हाइट है, तो मेरे हाइट से तो ये बहुत ज़्यादा है। देखिए बहुत बहुत हमारा गन्ना बहुत बड़ा है और हेल्दी भी बहुत है। देखिए इस तरह से गन्ने को हम तैयार करते हैं, इस तरह के सूखा साफ एकदम साफ करने के बाद, इसको इस तरह से साफ करने के बाद हम उसका एक भारी बनाते हैं जो 8-8 गन्ने के होते हैं, यानी कि 8 गन्ना होता है उसमें। देखिए हमने बना के रख दिया है, हम गिनते हैं तो उसमें 8 होंगे। देखिए 3, 3 2 5, 6 7 और 8, ये 8 गन्ने की एक भारी तैयार हो चुकी है। ये भारी भी 8 गन्ने की तैयार हो चुकी है, ये भी 8 गन्ने की, ये भी 8 गन्ने की, इस तरह से सभी भारी 8 गन्ने की तैयार हो चुकी है। वो 8 गन्ने की तैयार होने के बाद हम इस तरह से उसको बांध देते हैं। देखो इसमें 8 ही गन्ने हो गए, इस तरह से हम इसको बांध देते हैं। इसको बांधने के बाद इसको हम टेम्पे में भरने वाले हैं। अभी शाम को गाड़ी आएगी, क्योंकि पूरे दिन उसकी कटाई जुताई कटाई चलती है। काटने के बाद उसकी उसको साफ करना पड़ता है, साफ करने के बाद उसकी ये भारी बनानी पड़ती है, भारी बनाने के बाद उसको बांधना पड़ता है इस तरह से। देखिए इस तरह से हमने इसको बांध दिया है, उसका 8 गन्ना आता है, एक भारी में 8 गन्ना आता है। और उसका वजन हम देखते हैं तो करीबन 15 केजी, इसका एक भारी में 15 केजी वजन होता है, क्योंकि गन्ना अच्छा है इसलिए 15 केजी होता है। गन्ना जो कम होता, छोटा होता, पतला होता तो वजन कम होता, लेकिन हमारा गन्ना अच्छी तरह से पका हुआ है और इसलिए देखिए बड़ी ये पूरा गन्ना है। यहाँ भी हमने तैयार कर कर रख दिया है। देखिए 8-8 का ही है। इस तरह से दोस्तों उत्तरायण के टाइम हम गन्ना काटने का काम करते हैं। इस तरह से दोस्तों उत्तरायण के टाइम हम ये गन्ना कटाई का काम करते हैं पूरा। देखिए और एक बारी का वजन होता है 15 केजी, एक बारी में गन्ने की जो राड़े आते हैं वो आते हैं तकरीबन 8 और उसका जो रेट अभी हमें मिलने वाला है, जो मेन चीज उसका रेट, वो रेट हमने मिलने वाला है 17 रुपये। 17 रुपये में हम 8 राड़े का
एक आठ गन्ने का एक भारी तैयार करके जो उसका भाव जो टेम्पा उस सामने वाले का आएगा उसको उसमें भर देने वाले हैं। इस तरह से हमारा काम उत्तरायण के टाइम हमारा गन्ना जाता है। दोस्तों हमारा जो कुछ मेहनत हमारी मेहनत की कमाई हम किसान की मेहनत की कमाई बस यही होती है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया आज का ब्लॉग पसंद आया तो आप हमारे ब्लॉग में आकर उसको शेयर कर उसको सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि दोस्तों मैं हर रोज डेली किसानी का वीडियो लाता रहता हूँ, किसानी का ब्लॉग बनाता रहता हूँ। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को शेयर करना और सब्सक्राइब करना।